चैनल देख रहे सभी दर्शकों को एक बार फिर जोरदार स्वागत है। हर जिले में यही खबर आ रही है कि प्रियंका रेड्डी के साथ हुए बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस वक्त आपको बताया चले कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हो रहा है। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है इस वक्त की। मध्य प्रदेश में आज चर्चा हुआ है कि हैदराबाद गैंगरेप केस के साथ सीन्स क्रिएट करने ले गई थी पुलिस, जहां पर पुलिस भागने की कोशिश में मारे गए चारों आरोपी, जिसमें आपको बताया चले हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर केस चारों के साथ आरोपियों को एनकाउंटर कर दिया गया है और चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे मसले बने रहिए, पूरी खबरों पर आगे के लिए नजर डालते हैं। हैदराबाद गैंगरेप मर्डर केस को चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। चारों आरोपी पुलिस ने रिमांड में ले लिया है। आपको बताया चले देर रात नेशनल हाईवे 44 पर क्राइम सीन लिया जा रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार कहना है कि क्राइम सीन रिकेट करने के दौरान ही आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया है। धुंध का फायदा उठाने पर भागने पर कोशिश कर रहे थे, उसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में चारों आरोपियों को मार गिराया। लाशों का पंचनामा किया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस तैनात है। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से नीमच शहर से गिरजा शंकर जी की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।